हमारा ड्रोन पकड़ा गया, ड्रोन पकड़ा गया हमारा, पुलिस वाले अंकल ने ड्रोन पकड़ लिया हमारा। तो पंबन से हम आगे जा रहे हैं धनुषकोडी की तरफ, धनुषकोडी कोटी। तो बेसिकली दैट्स द लास्ट पॉइंट एंड वहाँ पे हमारे लॉर्ड श्री राम ने रास्ता बनाया था, हनुमान सेना ने वो रास्ता तैयार किया था, पत्थर वहाँ पे फ्लोट कर रहे थे एंड दैट इज़ हाउ ही वेंट टू श्रीलंका। तो वहाँ पे जाते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। बीच में एक हमें द लॉस्ट सिटी मिलेगा, द रुइन लॉस्ट सिटी, ओके द गो सिटी कहते हैं वो। बेसिकली एक सुनामी में या किसी एक तूफान में वो पूरा सिटी तबाह हो गया था 1961 में। तो दैट इज़ मतलब सारे घर वहाँ पे ना टूटे, मतलब रुइंस बचे हुए हैं। तो वो रास्ते में मिलेगा, यहाँ से जो रास्ता है बहुत ही अमेजिंग है। तो चलो उस रास्ते की तरफ चलते हैं। था कि लास्ट टाइम मैं आया था तो इसी एक किसी होटल में रुका था, जस्ट सामने बीच, मतलब ये जो जितनी भी रेलिंग्स वगैरह है ना, होटल जीवन, हाँ यही था तुम्हें याद है ना? अरे मुझे याद है। अरे साले तुम वीडियो देखे हो, होटल जीवन, यही होटल में रुका था और यहाँ पे हम बैठे थे, मैं और स्वाति थे। यहाँ से ये सब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ था, यहाँ तक हम बैठे थे मस्त रात में, चिल वाइब्स भाई, चिल वाइब्स, कोई ज्यादा हाई टाइट्स का लफड़ा नहीं था, आराम से चिल मार के बैठे थे। मतलब वॉक करने के लिए भी बहुत सही जगह है, रात में तो ठंडा पूरा हो जाता है ना, तो खतरनाक वाला मजा आता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार हम रामेश्वरम रुक नहीं रहे क्योंकि अपन जा रहे यहाँ से बैंगलोर, लेकिन उसके पहले अपन जाएंगे यहाँ से 39 मिनट्स, विच इज 40 मिनट्स टूवर्ड्स धनुषकोटी। चले भाई यू टर्न मार ले एकदम। हमारा ड्रोन पकड़ा गया, हमारा, पुलिस वाले अंकल ने ड्रोन पकड़ लिया हमारा। ओके सो अभी यहाँ पे पहुँच गए, अब एग्जैक्टली हमारे साथ क्या हुआ वो थोड़ी देर में आपको बताते हैं, बट दिस प्लेस इज़ सो अमेजिंग। मतलब पूरा हर तरफ पानी एंड वी हैव पार्क द कार हियर
अपने पीछे पार्क किए। दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर यू कैन कम। श्रीलंका इज जस्ट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो जस्ट 18 किलोमीटर्स, ड्रोन इज रिस्ट्रिक्टेड हियर, यू कैन नॉट फ्लाई द ड्रोन, यू हैव टू टेक द परमिशन। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पहुँच गए, मस्त नज़ारे हैं, शाम के बज रहे हैं 4, थोड़ा सा टाइम वी हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिक्वेस्ट द पुलिस ऑफिशियल्स कि हम एग्जैक्टली क्या थे, बिकॉज दिस इज़ अ बॉर्डर एरिया एंड बॉर्डर एरिया पे, बिकॉज श्रीलंका इज जस्ट 18 किलोमीटर्स और ड्रोन का रेंज, मेरे ड्रोन का रेंज 4 किलोमीटर के करीब है एंड देन इट कैन गो एरियल बहुत हाई तक। तो ठीक है यार, अभी जो रूल्स है वो रूल्स है, अब एग्जैक्टली क्या हुआ, चलो अंदर चलते हैं। मानी कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, घर वापसी जैसा, घर वापसी जैसा। सो लास्ट पॉइंट है ना, दिस इज द लास्ट पॉइंट हाँ, एंड यहाँ से अब हम रिटर्न जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स बैंगलोर। तो अभी यहाँ से बैंगलोर का GPS पे डेस्टिनेशन डालते हैं, कितने दूर है, क्या है, वो सब चीज़ आपको अंदर बताते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने बैंगलोर की जर्नी। सो आगे हम गाड़ी में, अब एग्जैक्टली हुआ क्या कि यहाँ पे हम उड़ा रहे थे ड्रोन और हम ड्रोन समुद्र के थोड़ा सा अंदर भेजे थे। वी वॉन्टेड टू टेक दैट शॉट जो आपने अभी देखा, एंड उस शॉट को लेने के लिए ना गाड़ी चलते वक्त मनी चला रहा था, मैं उड़ा रहा था और हम चलाते चलाते ना यहाँ तक आ गए और यहाँ पे पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने देख लिया ड्रोन हम उड़ा रहे हैं। ठीक है, अब वो ड्रोन बहुत देर तक हवा में था, बहुत नीचे ऊपर कर रहा था मैं, अब उन्होंने देख लिया, वो हमारे पास आ गए। सबसे पहले तो FIR होगा, ड्रोन सीज हो गया, ड्रोन लेके वो पुलिस स्टेशन यहाँ पे जो छोटा सा पुलिस ज्वाइंट पुलिस चौकी हाँ वहाँ पे चले गए एंड फिर उन्होंने अपने सीनियर से बात की, फिर हमें थाने जाने के लिए कहा। तो हमने वॉलेट निकाल लिया था बिकॉज कहीं ना कहीं तो जुगाड़ बिठाना था। फिर उन्होंने थोड़ी दूर जाके वो बात करके वापस आए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है इनको ड्रोन वापस कर दो, अदरवाइज आज तो भैया राम नाम सत्य था। फाइन कितने का था? 10,000 रुपये का फाइन एंड जेल अलग, समझ गए, 3 दिन में पहुंच ना पाते बैंगलोर। लंच मिल जाएगा, लंच नहीं है, फिश है, स्नैक्स है। सो जी यहाँ पे लंच कर लिया, अब बज रहे हैं शाम में ऑलमोस्ट 6 बजने वाले, 5:48 टू बी प्रिसाइज्ड, और अभी भी जो अपना डिस्टेंस है 551 किलोमीटर्स, 10 घंटे कुछ मिनट लगने वाले हैं। सुबह पहुँचेंगे अपन 4 बजे, पहले था 3 बजे, अभी 4। भाई कल यहाँ से निकल रहा है तो भाई बैंगलोर में हमें टाटा बाय बाय कर देगा और वहाँ से निकल जाएगा सूरत, बिकॉज ही हैज़ सम अर्जेंट वर्क। तो आगे की सूरत की जर्नी, बस सूरत क्या, आगे मुंबई या हैदराबाद होते हुए अपने घर की जर्नी सिर्फ मैं और मनी करेंगे इस गाड़ी में, जो कि एग्जैक्टली जो कि जिस जिन्होंने ये जर्नी स्टार्ट किया था। अच्छा है, मज़ेदार है। मनी अभी थोड़ा नींद मार रहा है क्योंकि भैया आज लंबा है, बहुत लंबा, और रात की जर्नी स्पेशली आफ्टर 12 ना थोड़ी सी आपको नींद आने लगती है आँखों में, तो एक बंदे का सोना बहुत ज़रूरी है सो दैट ही कैन ड्राइव अगर दूसरे बंदे को नींद आ रही हो। आगे चलते हैं। ओके, सो मदुरई के रास्ते पे हम निकल चुके हैं, मदुरई इस रास्ते पे है, उसके आगे त्रिचिरापल्ली से हम बाईपास लेंगे एंड देन विल हेड टुवर्ड सेलम एंड 390 किलोमीटर्स है सेलम, और बैंगलोर का टोटल डिस्टेंस अभी भी 525 किलोमीटर बचा हुआ है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, 6:30 बज रहे हैं, सनसेट ऑलरेडी हो गया, एक टाइम लैप्स यहाँ पे ले रहे हैं जो दिन से रात का ट्रांजिशन दिखाएगा, तो देखते हैं कैसा आता है, अगर अच्छा है तो लगा देंगे भैया, नहीं तो टाई फेस। सो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं बिकॉज अभी क्या सीखा है ना कि अगर कोई दूसरा बंदा गाड़ी चला रहा है तो आप जो दिन भर के फुटेजेस है ना वो लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दो, सो दैट जब आप होटल पे पहुँचे तो आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है। और यहाँ पे हम होटल पहुँचने वाले हैं क्योंकि सुबह है और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा फटीक, मतलब हमें ऑलमोस्ट 1,000 किलोमीटर कवर कर लेंगे तो थक जाएंगे, तो उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र करने का मन नहीं करेगा। रोड्स कैसे हैं भाई? भाई मक्खन, मतलब ऐसे स्लाइस हो रहा, पता है क्या, पूरा
क्या बोलते हैं उसको, भावनाओं में बह गया लड़का, ठीक है, भबक खा गया भाई, भबक गया, भबक गया है। दुरई के बाद जो 4 लेन हाईवेज हमें मिल रहे हैं वो कंटिन्यू होंगे बैंगलोर तक, और यही रास्ता आप बैंगलोर से अगर कोची लेते हो ना तो सेम रास्ता आपको मिलता है, और कोची तक के रास्ते ऐसे ही रहेंगे। बहुत बहुत ही अमेजिंग रोड्स है यार, मतलब हम 80-90 पे क्रूज़ कर रहे हैं, तीनों बैठ के बकर कर रहे हैं, बिल्कुल भी थकान नहीं लग रहा है। थोड़ा टाइम मैं इन्वॉल्व था डेटा ट्रांसफर करने में, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा डेटा अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो ये व्लॉग कभी नहीं आएगा, तो वो वाला काम कंप्लीट कर लिया, अब करेंगे बकर। बकर और उसमें दिखती थी यार वाइट कलर की एक्सयूवी, जाती थी पहाड़ों में, जाती थी जंगलों में, जाती थी बर्फ से निकालते थे, और मनी भाई ट्रैफिक में चलाया करते थे, ट्रैफिक के तो एक्सपर्ट है। तुम बता रहे हो मार रहे हो। चलो हम भी सोचते थे यार मौका मिले यार कभी यार ऐसे ट्रिप करने का। अच्छा अच्छा। और अच्छा, आज अच्छा। वही एक्सयूवी HR26DP3890 पे बैठ के गदगद हो रहा है भाई, दिल गदगद हो रहा है पूरा। होता क्या है कुछ कुछ लोगों में क्या है, जिसको गाड़ी चलाने का शौक रहता है तो वो लोग में क्या होता है, ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन, हाँ डोपामाइन कुछ भी बोल सकते हैं उसको, तो वो केमिकल से अंदर से खुशी फूटती है, बाहर निकलती है, तो मूड पूरा चेंज हो जाता है। जो कोई आदमी डिप्रेशन में हो, जिसको गाड़ी चलाने का शौक हो, उसको गाड़ी मिल जाए या तो फिर जो चीज़ उसको पसंद हो वो करने लग जाए तो उसको डोपामाइन छूटता है। किसी किसी चॉकलेट्स में भी रहता है, तो उसके कारण जो लोग, जो जनता बोलती है, आजकल नया निकाला है किस किस लोगों ने कि शुक्राणु छूट गए, तो असली में वो शुक्राणु छूटने वाली बात है ही नहीं, वो सिर्फ ब्रेन का एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। अब इस ट्रिप पे अपना सबसे ज़्यादा जो खर्चा है ना वो डीजल का है, और हम फिर से वो खर्चा करने जा रहे हैं वो सामने वहाँ पे, क्योंकि डीजल का हमारा पॉइंट कम हो गया और हमें यहाँ से बैंगलोर तक जाना है तो डीजल लेना ज़रूरी है। तो अभी डीजल ले लेते हैं यहाँ पे, मदुरई के कहीं आसपास में है, राइट, मदुरई के पास ही है, मदुरई के पास में है, और आगे से हम वापस से NH44 पे ही मिलेंगे। सो इस रूट पे एक्चुअली कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे पूरे शीशे पे ना कीड़ों का यू नो ब्लड, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, वो WBC वो आ गया था, तो WBC को BC में कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पहली बार ये पकड़ा हुआ है पानी और ये कपड़ा विंडशील्ड साफ करने का, वरना मनी भाई की पूरा मनी भाई ने यूज किया, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हैं, ये आदमी गलत कर रहा है भाई, ये लड़का पैसे खाया है, फुटेज खाने का पैसा खा रहा है। नहीं वैसे बंदा सही है, काम बढ़िया कर रहे हो भाई। डेली सुबह का काम यही है ना, ऑफिस जाने के पहले गाड़ी तो साफ करता हूँ। बट DJI में क्या होता है ना, जब आप ड्रोन उड़ाते हो ना, I got it.